सही गाइस, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग आए हुए जम्मू कश्मीर घूमने के लिए। सो फिलहाल अभी हम लोग है श्रीनगर में, और अभी यहाँ से चेकआउट का टाइम हो चुका है क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 दिनों से रुके हुए, और हम लोग फिलहाल जा रहे हैं अभी गुलमर्ग। सो हमारा सारा सामान नीचे जा चुका है, तो चलो हम भी चलते हैं। और वैसे अभी तक ब्रेकफास्ट भी बाकी है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद डायरेक्टली निकलेंगे गुलमर्ग के लिए। चलो गाइस, गुलमर्ग तो पहुंच गए, तो फिलहाल अभी यहाँ पे रास्ते में रुके स्वेटर की खरीदी करने के लिए, क्योंकि ऊपर बर्फ में जाना है तो स्वेटर चाहिए होंगे। चलो गाइस, फाइनली गुलमर्ग तो पहुंच गए, और एकदम सामने भाई बर्फ है। तो हमने नीचे से तो स्वेटर शूज जैसा कुछ नहीं खरीदा, हम लोग यहाँ से खरीदेंगे। और फिर सामने की साइड रास्ता है गोंडोला राइड का, सो वहाँ पे जाएंगे हम लोग ऊपर बर्फ में। बाकी इस साइड का व्यू सेम टू सेम स्विट्जरलैंड जैसा ही है। इस साइड मस्त बर्फ के पहाड़, और इस साइड पूरा ओपन ग्राउंड। भाई इतनी ज्यादा भीड़। तो चलो गाइज, मेरा स्वेटर तो हो गया, टोटल 4 चीजें अंदर अंदर पहनी है, और ये शूज। तो चलो हम लोग रेडी है बर्फ में जाने के लिए। चलो फाइनली होटल तक पहुंच गए, तो यहाँ पे सारा सामान रख देते हैं और फिर चलते हैं गोंडोला राइड पे। यहाँ पे सामने ही एकदम, तो आराम से चल के भी जा सकते है। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं गोंडोला राइड पे, तो यहाँ से एंट्री है। चलो राइड में ज्यादा लाइन तो नहीं है। चलो भाई पहला फेज खत्म, और भाई मजा आ गया राइड में। तो अभी आगे से भाई दूसरे फेज में जाना है, तो अभी दूसरे फेज में यहाँ से और भी ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर दूसरे फेज में जाने के लिए तो लाइन है, तो लाइन में लगना पड़ेगा। चलो हमारी बारी तो आने ही वाली है, लेकिन यहाँ पर लाइन देखो भाई, इतनी लंबी लाइन लग गई। चलो फाइनली पहुंच गए फेज नंबर 2 पे, और इस जगह का नाम है अपरावत। जो नीचे था, सबसे नीचे वो था गुलमर्ग, उससे ऊपर फेज 1 कुंगडूर, और ये फाइनली अपरावत। और यहाँ पर तो भाई चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो अभी हम दोनों भाई बैठे एकदम सबसे ऊपर, देखो सभी लोग नीचे हैं, हम लोग यहाँ पर ऊपर चढ़ के आ गए। और यहाँ से ऊपर भी भाई बर्फ है, लेकिन वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे ना ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, और ये शायद समंदर से 38,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी भाई ये जगह बहुत मस्त है, वैसे यहाँ पर ठंड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वैसे बर्फ वर्फ हाथ में लो तो ही ठंडा लगता है, बाकी ऐसे कोई ठंडी हवा चल रही है, स्वेटर की जरूरत पड़े ऐसा कुछ है ही नहीं, एकदम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। और बाकी भाई यहाँ से व्यू देखो यार, ये व्यू इतना मस्त है ना, यहाँ पे सामने पूरी पहाड़ों की लाइन दिख रही है, और चारों तरफ पे सब कुछ बर्फ से घिरा हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों ने आर्मी से भी बात की, तो उन्होंने बोला कि ये बर्फ तो कुछ भी नहीं है, मतलब 3-4 दिन पहले इतनी बर्फ थी ना, यहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता था। अभी खाने के लिए चलते हैं, क्योंकि 1 बज चुका है और दोपहर को हमको यहीं पर ही खाना है, क्योंकि शाम को हम लोग जाएंगे वापस अपने होटल पे, तो तब तक यहीं पर ही मस्त बर्फ में एंजॉय करेंगे। यहाँ पर तो सब लोगों ने खाना भी चालू कर दिया। चलो खाना पीना तो हो चुका है, तो अभी मस्त बर्फ में खेलते हैं। तो चलो गाइस, बर्फ में तो बहुत खेल लिया, तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं एलओसी देखने के लिए। सामने की साइड यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, और कुछ इस तरीके की स्क्रीन वाली राइड रहेगी जिसमें की जाने वाले, और क्या होगा, और स्लाइड आएगी, और बगल में से लगा के आधा घंटा आराम करके
फिर वापस आने का। अच्छा, वहाँ सब देखने का है। तो गाइस फाइनली निकल पड़े अपनी राइड पे। ऐसे भाई पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है। चलो फाइनली पहुंच गए यहाँ पर। तो देख लो यही है वो LOC प्लेस जिसके लिए हम लोग स्की करके यहाँ तक आए। चलो गाइस अभी यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। तो फिर से इसी गाड़ी में नहीं, इस बार दूसरी वाली गाड़ी है, तो इसमें बैठ के जाएंगे वापस। चलो मैं तो बैठ गया अपनी गाड़ी में, बाकी सभी लोग भी बैठ चुके हैं। अभी मस्त भाई फिसलते फिसलते जाएंगे। तो चलो राइड तो खत्म, तो अभी यहाँ की मैगी ट्राई करते हैं। वाह भाई मैगी तो एकदम टेस्टी है। तो चलो मैगी तो फिनिश। तो अभी फिर से मस्त रोपवे में बैठ के नीचे जाएंगे। तो चलो अभी फिर से लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। चलो फेज टू में से तो बाहर आ गए, अभी फेज वन से भी नीचे उतरना है, क्योंकि फेज वन में तो कुछ इतना खेलने लायक है नहीं। बस सामने वो कुछ राइड से, लेकिन बर्फ इतना ज्यादा नहीं है। बाकी ऊपर काफी ज्यादा मजा आ गया और वैसे ही हम लोग थक गए, तो अभी डायरेक्टली होटल ही चलते हैं। चलो फाइनली नीचे तो आ गए, बाकी मजा आ गया ऊपर बर्फ में और खास ये गोंडोला राइड में भी। तो चलो अभी होटल की तरफ चलते हैं। चलो फाइनली होटल तक पहुंच गए, तो आज रात को यहीं पर ही स्टे करेंगे, बाकी कल सुबह तो हम लोग यहां से निकल जाएंगे। तो देखो ये है हमारा रूम, यहां पे एक बेड है, यहां पर भी एक बेड है, ये टीवी सोफा और यहाँ पे पीछे खिड़की। वाह भाई यहाँ से व्यू तो काफी मस्त है। तो चलो अभी मस्त कॉफी बना के पीते, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। चलो अपनी कॉफी तो रेडी है और बाकी सभी लोग तो ग्रीन टी पी रहे हैं विथ लींबू। तो गाइस फिलहाल मैं और जेनल दोनों यहाँ गए होटल के बाहर। यहाँ पे बाहर मस्त छोटा सा गार्डन है, तो यहीं पर ही बैठते हैं। बाकी भाई सामने ही मस्त बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ पे ठंड तो अल्टीमेट है, लेकिन व्यू भी काफी मस्त है। और देखो थोड़े बहुत बादल बनना भी चालू हो गए, सो अगर बारिश हुई तो आई थिंक स्नोफॉल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन है। चलो भाई होटल के अंदर ही चलते, यहाँ पर तो ठंड बढ़ती जा रही है। तो गाइस अभी हम लोग फिर से होटल के बाहर आ चुके हैं स्पीकर लेके, तो मस्त गाने बजाते हुए ठंड का मजा लेते हैं। बाकी सभी लोग तो अंदर ही है, बस हम तीन लोग ही है बाहर। तो चलो गाइस म्यूजिक का प्रोग्राम तो खत्म और अंधेरा हो चुका है, तो चलो अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और अभी तो शायद डायरेक्ट डिनर करने के लिए जाएंगे। तो चलो गाइस अपना डिनर रेडी करते है, क्योंकि आज होटल वालों की तरफ से नहीं है, आज हमें हमारी तरफ से ही खाना है डिनर में। तो मैं और जेनल दोनों ही मस्त डोसा खाएंगे, ये हम लोग सूरत से लेके आए थे अपने साथ। चलो चलो फिलहाल इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप यू कैन एंजॉय दिस व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय। कल तो हम लोग सुबह फिर से निकल, बाकी लिटरली भाई मैं कांप रहा हूँ यहाँ पर। अभी तो वह बर्फ में जाएंगे तब तो क्या ही हाल होगा।